हजरत ने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर रमल्ला ताला वजहुल करीम, आपकी करामात बहुत सारी हैं जिनमें से चंद मैं आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि करामत कहते किसे हैं, क्या ये अकल में आती है या नहीं आती, करामत किस बात को कहते हैं, किस चीज़ को करामत, करामत किस चीज़ का नाम है। तो लफ्ज़ करामत का माना है अनोखी बात, अनोखी चीज़, ये लफ्ज़ करामत का माना है। अब करामत किसे कहते हैं कि जो वलियों से सादिर हो, ऐसी बात जो खिलाफ आदत हो, यानी किसी बंदे की वो आदत ना हो, आदतन ऐसा काम ना होता हो, लेकिन जब वो किसी वली की दुआ से या किसी वली की बरकत से जब वो काम ऐसा कोई काम हो जाए कि वो खिलाफ आदत हो, यानी पहले वो ऐसा कभी काम देखा ना गया हो, ना कोई ऐसा काम इतनी आसानी से वो कर सकता हो, तो उसे कहते हैं करामत। और फिर ऐसी कई चीज़ें हैं जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम से या किसी भी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी नबी पर, नबी से भी कोई बात सादिर होती है, ऐसी बात जो खिलाफ आदत हो, तो उसे मुजज़ा कहते हैं। इसी तरह किसी वली से इस तरह की बात साबित हो तो उसे करामत कहते हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सहाबी रसूल हैं और इनको वली कहा जाएगा क्योंकि अल्लाह के दोस्त हैं, सहाबी रसूल हैं, इनको नबी के मरतबे पर नहीं बल्कि वली के मरतबे पर रख कर इनको जो है वो बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, और इनकी जो बातें इनसे ऐसी सादिर हुई जो खिलाफ आदत थी वो उनको करामत ही कहा जाएगा। तो हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की करामात बहुत सारी हैं, जिनमें से एक ये है कि एक दफ़ा हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के पास एक हबशी गुलाम को लाया गया। आप उस वक्त खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो उस हबशी गुलाम को जब आपके पास लाया गया तो उस पर ये काम था, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने चोरी की है। तो उस हबशी गुलाम से जब पूछा गया कि क्या तूने चोरी की है, तो उसने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने चोरी की है। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसका हाथ कटवा दिया। तो किताबों में लिखा है कि जब हजरत अली मुश्किल शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसका हाथ जो है वो कटवा दिया, तो हाथ का कटा हुआ वो हाथ अपना जो है वो लेकर जा रहा था कि रास्ते में हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ एक बुजुर्ग थे। उन बुजुर्गों ने उस हबशी गुलाम से पूछा कि तेरा ये हाथ किसने काटा है, तो उसने कहा कि मौला मुश्किल कुशा अबू तुराब शेर खुदा दामाद रसूल जोजे बतूल हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये मेरा हाथ काटा है। वो तो बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि एक तो उन्होंने तुम्हारा हाथ काटा, ऊपर से तुम इतने अलकाबाद के साथ उन्हें पुकार रहे हो। ये सिर्फ उनके जो है वो वजह पूछनी थी कि इतने अलकाबाद के साथ क्यों पुकार रहे हो, इससे ये मुराद नहीं है कि उनके दिल के अंदर माज़ अल्लाह बूज़े अली था। तो जब बूज़े अली दिल के अंदर हो तो वो वली हो ही नहीं सकता, वो बुजुर्ग हो ही नहीं सकता। तो उनके सीने में बूज़े अली नहीं था, सिर्फ उस हबशी गुलाम को जानना था कि ये इतने अलकाबाद की बात जो है वो साथ उनको क्यों पुकार रहा है। तो जब ये बात सुनी तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उस हबशी गुलाम की बात सुनी और उस बुजुर्ग की भी बात सुनी और सीधे हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गए। जाकर सारा वाक्या अर्ज किया, सारा वाक्या सुनाया कि इस तरह बात हुई। तो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का दरिया जो है वो जोश के अंदर आ गया। तो आपने उस हबशी गुलाम को बुलाया और उसका कटा हुआ हाथ कहा कि इसको अपने हाथ अपनी जो है वो कलाई के साथ जोड़ दो, कलाई के साथ मिलाओ। तो उसका कटा हुआ हाथ जब आपने कलाई के ऊपर रख कर उसके ऊपर अपना रुमाल बांध दिया, रुमाल बांधने के बाद आपने कुछ पढ़ा और उस रुमाल पर जब फूंक मारी, फूंक दिया, तो फूंक मारते ही आपने रुमाल को खोला। जब रुमाल को खोला गया तो उस हबशी गुलाम का हाथ जुड़ चुका था। तो ये अनोखी बात कि ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई हाथ ऊपर रखे, अपना रुमाल बांधे और कुछ चीज पढ़ के जो है वो उसके ऊपर फूंक दे तो वो रुमाल जो है हाथ जो है वो जुड़ जाएगा। मैं और आप ऐसा करेंगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फरमाया कि उन्होंने उस हबशी गुलाम का हाथ जोड़ दिया। तो ये वलियों की करामत होती है। इसी तरह एक दफा दरिया के अंदर दरियाए फुरात
के अंदर जो है वो तुगयानी आ गई, तो सलाब आ गया, तूफान आ गया। तो हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम उस वक्त खलीफा थे, लोगों ने आपसे अर्ज किया कि दरियाए फुरात के अंदर जो है वो सैलाब आ चुका है, तो आप इस बारे में कुछ करें। तो हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम दरियाए फुरात की तरफ गए, साथ में शहजाद गान भी थे यानी हजरत इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थे और चंद एक रुफाका और भी थे। जब गए तो नहर फुरात पर आपने जाकर पहले दो नफिल पढ़े, नफिल पढ़ने के बाद आपने दुआ की, दुआ करने के बाद जब उठे तो आपने दरिया के किनारे पर जाकर अपना जो है वो कोड़ा मारा और उसे कहा कि पानी को कहा कि कम हो जा, तो एक गज पानी जो है वो दरियाए फुरात से नीचे चला गया, एक गज पानी कम हो गया। आपने फिर कोड़ा मारा और कहा कि पानी को कम हो जा, पानी फिर एक गज जो है वो नीचे चला गया, कम हो गया। फिर आपने कोड़ा मारा और फिर कहा कि पानी कम हो जा, तो पानी फिर एक गज जो है वो कम हो गया। फिर लोगों ने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन हमें इतना काफी है। ये भी कितनी अजीब बात है कि कोड़ा मारने से पानी कम हो जाता है, कोई भी ऐसा हरकत करेगा, कोई भी ऐसा काम करेगा तो कभी भी पानी कम नहीं होगा, पानी हमारी और आपकी नहीं सुनता, बल्कि वो अल्लाह के वली थे, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत अता की थी कि वो चाहे तो पानी को कम भी कर सकते हैं, चाहे तो पानी को ज्यादा भी कर सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के औलिया की सिफात होती हैं। इसी तरह हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम की और भी बहुत सारी करामात हैं कि आप जो है वो एक मरतबा जिस तरह के आप किला खैबर के अंदर गए, तो वो भी एक करामत है कि जिस किले के दरवाजे को 40 या 80, बाज रिवायत में 40 है बाज में 80 है, कि 80 सहाबाए किराम ने बाद में उसे उठाकर एक साइड पर रखा था, बाद में उठाया था, उसे हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने जो है वो एक हाथ से उठाकर अपनी ढाल बना ली और उसे तोड़ दिया। तो ये हजरत अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की करामत है। इसी तरह एक मरतबा आप मकाम सुफैन जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के साथ पूरा लश्कर था, तो रास्ते में लश्कर को प्यास लग गई, पानी खत्म हो चुका था, तो उन्होंने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन अब हम क्या करें, तो आपने फरमाया कि पानी की तलाश करो। चंद लोग पानी की तलाश के लिए निकले तो एक राहिब देख रहा था, ईसाई था, राहिब था, वो देख रहा था, उसने हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से कहा कि यहाँ पर एक चश्मा है पत्थर के नीचे, उसे आज तक कोई निकाल नहीं सका, तो अगर आप निकाल लें तो वहां से पानी मिल सकता है। तो हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने चंद एक सहाबा को कहा कि चंद एक रुफका को कहा कि इसको जो है वो पत्थर को हटाओ। कईयों ने जोर लगाया, मिलकर जोर लगाते रहे, लेकिन वो पत्थर ना हटा। फिर हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा खुद उतरे अपने ऊंट से, अपनी सवारी से खुद नीचे उतरे और जो है वो उस पत्थर को एक हाथ से ही हटाया तो वो हट गया। तो वो राह पड़ा हैरान हुआ, सहाबा इकराम ने पानी पिया और जानवरों ने भी पानी पिया, सवारियों ने भी पानी पिया, और जब चलने लगे तो उस राहिब ने आपके कदम पकड़ लिए और उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। तो हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने उसे कलमा पढ़ाया और पूछा कि तुमने इतनी देर से कलमा नहीं पढ़ा था, अब इतनी जल्दी तूने कलमा पढ़ लिया सिर्फ इतनी सी बात से? तो उसने कहा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि इस गिरजा घर के पास एक पत्थर है जिसके नीचे एक चश्मा है, उसे या तो कोई नबी हटा सकता है, या कोई फरिश्ता हटा सकता है, या कोई सहाबी हटा सकता है, अब तुम मुझे बताओ तुम नबी हो, फरिश्ते हो, या फिर सहाबी हो? तो आपने कहा कि मैं ना नबी हूँ, ना मैं फरिश्ता हूँ, मैं हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का सहाबी हूँ। तो उसने कहा कि यही बात है, हमने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा है कि वो एक नबी होगा या फरिश्ता होगा या सहाबी होगा जो इस चश्मे को निकालेगा। तो ये बात सुनकर हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सजदे में चले गए और आप बहुत रोए, ज़ारो किताब रोए, और रोने के बाद उस राहिब ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने कहा कि क्या मैं उस रब का शुक्र अदा ना करूं कि जिसने पिछली किताबों के अंदर भी मेरा जिक्र किया हुआ है? तो ये भी हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की करामत थी कि आपने एक हाथ के साथ जो है
उस पत्थर को हटा दिया जिसको इतने सहाबा मिलकर हटाते रहे लेकिन वो ना हटा। तो ये हजरत ही बोला है मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की चंद एक करामत मैंने आपके सामने बयान की, और भी बहुत सारी करामत है। सबसे बड़ी तो करामत यही है कि हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सहाबी रसूल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत भी है, बहुत बड़ी जो है वो अनोखी बात करामत जिसे कहते हैं। तो ये वो भी है कि हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को रफाकत मुस्तफ़ा हासिल हुई, फिर खलीफा चौथे खलीफा बने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के दामाद भी हैं, चचा जात भाई भी हैं, आपकी शानों के तो क्या कहने। लेकिन हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की शान की आड़ में किसी और सहाबी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमें सब सहाबा से मोहब्बत है, सब सहाबा जन्नती हैं, हमारे सारे के सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जितने भी हैं हमारे सरों के ताज हैं। हम उनकी जूती के साथ जो खाक लगी है, उस खाक के साथ जो खाक लगी हम उस खाक के भी बराबर नहीं हैं। इसलिए हमें सहाबा कराम से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी तआज़ीम करनी चाहिए, उनके गीत गाते रहना चाहिए, उनकी अजमत व शान को बयान करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और अपना खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। वमा अलैना